क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्यूपिल को PLPOEE से कोडित किया जाता है तो ट्रेंड को कैसे कोडित किया जाएगा? तो चलिए पहले कोड को डिकोड कर लेते हैं। PEO PLE, यहाँ पे वही उसका डी कोड लिख लेते हैं, PLPOEE। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लेटर बनाया हो गया। ऐसे देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कॉमन लेटर है, फर्स्ट और लेटर मतलब पहला और लास्ट, तो ये सेम हो गए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, और तो कुछ कंडीशन ऐसे अप्लाई नहीं हो रही। शायद ई यहाँ आया है, यल यहाँ पे आया, ओ यहाँ आया और पी यहाँ आया है। तो देखिए, ये भी एक टाइप हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार प्यूपिल को ऐसे किया, पहले और लास्ट को सेम रखा, ई को यहाँ पे, एल को यहाँ, ओ यहाँ और पी यहाँ आया, तो उसी प्रकार से हम ट्रेंड को भी अरेंज करेंगे, TRENDE। ठीक है, तो फर्स्ट को लिख देंगे और लास्ट को TOD लिख दिए। इसके बाद क्या बोला था, इसको यहाँ ले जाना है, मतलब इस बार लेटर को लास्ट में ले चलिए, तो R यहाँ आ जाएगा, और इस बार लेटर को यहाँ पे लाइए, यानी यहाँ आ जाएगा, और बचेगा क्या, लास्ट E यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, TNERD है क्या, यहाँ TNERD शायद यही है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, B। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा सॉल्व। आगे समझ में? तो इसी प्रकार से एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको करिए और कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर सेंड करिएगा। 13 आपके लिए क्वेश्चन, यदि मनी को MENOY से कोडित किया जाता है तो हनी को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आप इसका कोड का ये डिकोड दिया है, तो आप पता करिए कैसे बना। उसी प्रकार से इस कोड का एक डिकोड होगा, उस डिकोड को इस प्रकार से अरेंज करके आप कमेंट्स बॉक्स पे उसका आंसर सेंड करिए। ओके, बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।